केंद्रीय अनाज मंडी में धान की खरीद सही रूप से नहीं होने के कारण भारतीय किसान यूनियन व किसानों ने इंद्री मार्केट कमेटी के गेट का ताला लगाकर नारेबाजी शुरू कर दी। किसान नेता रामपाल चहल का कहना है कि वैसे तो सरकार ने 27 सितंबर से धान की खरीद शुरू कर दी थी, लेकिन अब तक भी सुचारू रूप से धान की खरीद नहीं चल रही है। यहां तक के लिफ्टिंग का काम भी बिल्कुल रुका हुआ है, जिसकी वजह से मंडी बिल्कुल चौक हो चुकी है। धान खरीद एजेंसियां सही रूप से धान की खरीद नहीं कर रही, जिसको लेकर किसान बड़ी परेशानी में है। ऊपर से मौसम की मार, दूसरी तरफ धान की खरीद सुचारू रूप से ना होने की वजह से किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यदि धान की खरीद सुचारू रूप से जारी नहीं हुई तो उनका धरना प्रदर्शन इसी प्रकार से जारी रहेगा और 9 तारीख को हाईवे जाम करने की भी चेतावनी भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी दे चुके हैं। यदि धान की खरीद इस प्रकार से ठीक सुचारू रूप से नहीं हुई तो 9 अक्टूबर को अनाज मंडियों के सामने सभी हाईवे को जाम कर दिया जाएगा। जबकि मार्केट कमेटी के सचिव जसवीर सिंह का कहना है कि 3 एजेंसियां धान की खरीद कर रही हैं, लिफ्टिंग का काम रुका हुआ है, लिफ्टिंग नहीं हो रही, जिसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं खरीद एजेंसियों का कहना है कि वह धान की खरीद सुचारू रूप से जारी रखे ताकि किसानों को किसी समस्या का सामना न करना पड़े। राइस मिलर और सरकार के मध्य हो रही बातचीत के बारे में उन्होंने कहा है कि यह उनके लेवल का मामला नहीं है, यह तो अधिकारी ही बता सकते हैं। फिलहाल किसान मार्केट कमेटी के गेट के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए भाई साहब, ये किसान की दुर्दशा होगी। 27 तारीख को इनका खरीद शुरू होगी थी, लेकिन वो सिर्फ कागजों तक थी और यहाँ जरा तलबा कुछ नहीं है। खाली नाम चारी थे, इंस्पेक्टर 5-7 डेरियां लिखा और वापस चले जावा, और जो लिखा उनकी भी उठो नहीं रहा। यहाँ जो कुल की बात करूँ तो मैं 2 लाख क्विंटल जीरी पड़ी मंडी में और लिखी गई 30,000 क्विंटल, लिखी गई जारों में, राम राम जी, लिखी गई जारों में और पड़ी लाखों में और उठी सिर्फ 5,000। कहीं भी सुखाने की तो अलग बात, डेयरी गिरने की भी जगह नहीं रही। यह हालत किसान की होगी, किसान का कोई चारा नहीं रहा। यह इतनी जालिम सरकार है, मजबूर कर रही किसान को कि सड़कों पर आओ जब थारी कुछ सुनेगा। बस वो खाली लेटर लेटर जारी है, देखो जी कागजों में लेटर जारी है यार। गड्डी का बोझ गड्डी उठावेगी जब तक सेलर वाले मंडियों में नहीं उतर दे। इनके साथ समझौता नहीं होता तब तक उठान नहीं होता, और सेलर वाला के साथ हर दिन मीटिंग हो रही पर कोई समाधान नहीं निकल रहा। एजेंसियां एफड वाले एफसीआई वाले मार्केट में आवा, थोड़ी बहुत चिटपुट खरीद कर लिख कचरे जहाँ पर मंडी सटासट भरी पड़ी। आप आज देख लो 7 अक्टूबर होगी और किसान बदाला उस तो मौसम ने मार दिए, जीरियां पकी खड़ी और सब की कटाई तैयार है। 38 बाब जवाब दे भाई, बरखा गिरेंगे कहाँ, लियावेंगे कहाँ। तो इस करके आज मंडी मार्केट कमेटी में इकट्ठे हुए, क्योंकि जो भारतीय किसान यूनियन संगठन का एक फैसला है भाई, 9 तारीख को 12 बजे तक अगर कोई समाधान नहीं होता, जो उत्तरी हरियाणा की जितनी भी मंडियां हैं उनके सामने रोड जाम होगा। तो उसी की एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं अपनी मंडियों में, अपने किसान साथियों के बीच में रहे, जो उनकी समस्याएं उनके साथ खड़े हैं। अनाज मंडी इंद्री में जो है 3 एजेंसियों की खरीद शुरू करवाई गई थी, DFSC फूड सप्लाई, DFSC हैफर्ड और हरियाणा वेयर हाउस, और अभी लगभग 30,000 क्विंटल खरीद हो चुकी है। और आज कल इतवार था, कल इन्होंने खरीद नहीं की और इन्होंने ये कहा था भी हम सुबह 10 बजे आकर के खरीद शुरू करेंगे। तीनों एजेंसियों के DM और DFSC साहब से बात हुई थी, लेकिन इनके हमारे मार्केट कमेटी के कर्मचारी बिल्कुल तैयार थे, खरीद के लिए तैयार बैठे थे, लेकिन जो एजेंसी के अधिकारी हैं वो लेट हो गए आने में। उनको हम सुबह से लगातार फ़ोन कर रहे थे और उनके लेट आने की वजह से जो जमींदार हैं वो नाराज़ हो गए और उन्होंने यहाँ पर आकर के ये रोष प्रदर्शन किया।